है गाइस, आपका कोई वाईफाई दूसरा कोई यूज कर रहा है आपको बिना पूछे, तो आपको बहुत बुरा लगता है। तो गाइस आप कैसे देख सकते हैं आपका कोई वाईफाई यूज कर रहा है या नहीं, और आप इसको कैसे वाईफाई से आप कनेक्ट है तो आप इसको कैसे बंद कर सकते हैं, तो आज के इस वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को आगे देखते हैं। तो गाइस दो तरीका है जो करके आप देख सकते हैं जो आपका कोई वाईफाई यूज कर रहा है या नहीं। तो लास्ट में जो तरीका मैं बताऊंगा उसमें आप बता दूंगा मैं आपको जो आपका कनेक्ट है तो आप उसको कैसे बंद कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो तरीका है, तो सबसे पहले आप स्टार्ट बटन पे आप क्लिक कीजिए, वहां पे आपको रन मिल जाएगा, रन को ओपन कीजिए। रन को ओपन करने के बाद वहां पे आप लिखिए CMD, लिख के आप ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद ही वहां पे एक कमांड आपको लिखना पड़ेगा IPCONFIG। ये जो ifconfig कमांड है आपको लिख के आप एक बार एंटर कर दीजिए। लिख के बाद ही आप एक बार एंटर कर दीजिए। एंटर करने के बाद ही आप देखोगे वहां पे एक आईपी एड्रेस आ जाएगा। जो आईपी एड्रेस है वो मोबाइल का आईपी एड्रेस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं तो आपका कनेक्ट है या नहीं। तो आपका कनेक्ट है तो आपका वाईफाई तो यूज कर रहा है। तो सेकेंड जो तरीका है, जिस भी कंपनी का आपका राउटर है वहां पे आप उसको लॉग इन कीजिए। लॉग इन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जिस भी कंपनी का राउटर है वो पीछे आप देखिए, वहां पे लॉग इन आईडी और पासवर्ड वहां पे आपको दे देगा। जो आईडी पासवर्ड वहां पे पीछे है वहां पे आप देख के जो राउटर को लॉग इन कर लीजिए। लॉग इन करने के बाद वहां पे आप वायरलेस स्टैटिस्टिक पे चले जाइए। मेरा तो वैसा है इसलिए मैं आपको ऐसा ही दिखा रहा हूँ। वायरलेस स्टैटिस्टिक में चले जाइए। वहां पे आप जाके आप देख सकते हैं जो आपका कोई मोबाइल आपका कोई वाईफाई यूज कर रहा है तो वहां पे आपका शो कर देगा। तो गाइस वहां पे आप देख सकते हैं जो कौन सा कनेक्ट है या नहीं। तो यहाँ पे आप उसके पास आप देख सकते हैं जो यहाँ पे आप बंद भी कर सकते हैं। तो ऐसे करके आप इसको बंद कर सकते हैं और देख सकते हैं। और गाइस मेरा राउटर देख सकते हैं TP-Link का है, जो पीछे आप देख सकते हैं ये काफी अच्छा है, क्योंकि आप मेरा कोई वाईफाई यूज कर रहा है तो मैं डायरेक्टली मैं पीछे वाईफाई का जो बटन है मैं वो बंद कर देता हूँ और वो वाईफाई एकदम बंद हो जाता है। वाईफाई को कोई कनेक्ट नहीं कर पाता है, सिर्फ मेरा कंप्यूटर में चलता है। इसीलिए कुछ राउटर में ये बटन होता है और कुछ कुछ राउटर में नहीं होता है। आप देख लीजिए, आप कोई राउटर खरीदने सोच रहे हैं तो आप ऐसा राउटर लीजिए, आप देख लीजिए कैसा कैसा राउटर है या नहीं है। तो गाइस आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, आपको देखने के लिए कोई मोबाइल कनेक्ट है या नहीं आपको देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा और उसको बंद करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो गाइस आपको छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए, और इस वीडियो के बारे में कुछ भी सवाल सुझाव है तो एकदम लास्ट में कमेंट बॉक्स में वहां पे कमेंट कर सकते हैं। और गाइस आप नया है तो आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के ठीक नीचे देखिए रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, वहां पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद जो भी चाहिए आप उस पर कर सकते हैं, सिर्फ क्लिक हो जाना चाहिए, लाल से सफेद कर दीजिए उसको। और सब्सक्राइब के साथ साथ जो बेल आइकन है वो भी आप क्लिक कर दीजिए, उससे क्या होगा मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। गाइस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।